नगर परिषद सुजानपुर में आज अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव करवाए गए, जिसमें कांग्रेस ने उलटफेर करते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा किया, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि सुजानपुर कांग्रेस परिषद में 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी समर्थित व 1 निर्दलीय जीता था। बाद में निर्दलीय पवन कुमार ने भाजपा का दामन थाम कर नगर परिषद में पूर्ण बहुमत दे दिया था, लेकिन आज हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस समर्थित वार्ड नंबर 8 की बीना धीमान ने कब्जा जमाया। वहीं नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्षा बीना धीमान ने कहा कि सुजानपुर का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी और विधायक राजेंद्र राणा के समर्थन से विकास को गति प्रदान की जाएगी। मैं तो पहले उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लक्ष्य पर पहुँचाया है, और मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि मैं सारे सुजानपुर शहर का विकास करूँगी और रल मिल के हम सभी काम करेंगे। और मेरा मेरे साथ राणा जी का हाथ मेरे ऊपर हाथ है, उनकी दया से मैं सब काम करूँगी। वही नव निर्वाचित उपाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि विकास कार्यों में सबको साथ लेकर काम किया जाएगा। सबसे पहले मेरा संदेश है कि सभी सुजानपुर वासी जो मेरे अपने भाई जो भाई बंधु हैं सारे, मैं उनके कार्य कहने से कार्य करूंगा, जो उनको जरूरत है उसको मैं पूरा करूंगा, और सुजानपुर के विकास के लिए जो मेरे से काम हो गए मैं उसको पूरा करूंगा।